दन दे तना दन दन और अत्याचार की ऐसी कैसे चुन अरे दे तना दन दे तना दन दन और अत्याचार की ऐसी कैसे चुन अत्याचार की तो मैं तोड़ दे तो फ्रेंड्स ये था अत्याचारी की ऐसी की तैसी चून सॉन्ग का टीजर जो कि काफी धमाकेदार लग रहा है बाकी के सॉन्ग्स के टीजर की तरह। बट फ्रेंड्स इस वीडियो में मूवी रिलीज डेट से जुड़ी एक सैड न्यूज है कि और कब तक रिलीज किया जाएगा अत्याचारी की ऐसी की तैसी चून सॉन्ग, कब तक रिलीज होगा भीमा कोरेगा मूवी का ट्रेलर और वही कौन कौन से एक्टर हमें देखने को मिलेंगे द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी में और किसने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी को। तो फ्रेंड्स इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो एंड तक देखिए और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दी चैनल। तो फ्रेंड्स अगर आपको मालूम नहीं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी के बारे में और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा के बारे में तो फ्रेंड्स आपको बता दूं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है जो 1818 की रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है जिसमें 1 जनवरी 1818 की महायुद्ध की कहानी है जिसमें हमें देखने को मिलेगा मुट्ठी भर 500 महार की सेना ने किस तरह विशाल 28,000 की पेशवा की सेना को धूल चटाई। इसी महायुद्ध पर बेस है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी जिसके लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे अर्जुन रामपाल, दिगंगना सूर्यवंशी, सनी लियोनी और अभिमन्यु सिंह जिसमें अर्जुन रामपाल हमें 500 महारों की सेना का नेतृत्व करते हुए देखने को मिलेंगे और सनी लियोनी हमें देखने को मिलेंगे एक नर्तिकी के रोल में एक जासूस का रोल निभाती नजर आएंगी और अभिमन्यु सिंह हमें देखने को मिलेंगे द्वितीय पेशवा के रोल में देखने को मिलेंगे अभिमन्यु सिंह। तो अब बात करते हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी के सॉन्ग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स हाल ही में ही इस मूवी के सॉन्ग्स के टीजर रिलीज किए गए हैं जिसमें से फर्स्ट सॉन्ग है सनी लियोनी का रंगीली रात का सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग है अर्जुन रामपाल और दिगंगना सूर्यवंशी का दिल ने दिल से की है बात सॉन्ग जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है और वही कुछ दिनों पहले रिलीज हुए अत्याचारी की ऐसी की तैसी चून सॉन्ग का टीजर जो कि तीनों के तीनों सॉन्ग का टीजर तो काफी शानदार और धमाकेदार लग रहा है जिसमें से अत्याचारी के ऐसी की तैसी चून सॉन्ग का टीजर तो काफी धमाकेदार और दमदार लग रहा है जिसमें अर्जुन रामपाल एक सैनिक के रोल में अपने विरोधी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं जिसमें उनका महार के सैनिक का लुक तो काफी धमाकेदार लग रहा है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश थेटेश्वर ने कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि कोरोना के तीसरे वेव के कारण इस मूवी के कुछ सीन शूट होने बाकी है और कोरोना के कारण ये मूवी अब थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाएगी तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी अब 17 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। तो ये थी एक सैड न्यूज द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी के फैंस के लिए। पर रमेश सरटे सर ने इस वीडियो में कहा है कि ये मूवी सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज होगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज होगी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी। शायद अब ये फिल्म रिलीज होगी नवंबर या दिसंबर के मंथ में और तभी ही रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर और सॉन्ग। तो आप लोगों को कैसी लगी ये न्यूज और आप लोग कितना एक्साइटेड है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगा मूवी और रंगीली रात का सॉन्ग के लिए हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अपडेट एंड थैंक्स फॉर watching the video. Take care of my heart.